वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी। नूपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या का मामला, और इधर नूपुर शर्मा के ही समर्थन में महाराष्ट्र के अमरावती में उमेश कोहले की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि यूपी के कानपुर देहात जिले से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां पर यूपी के कानपुर देहात जिले में बजरंग दल के एक कार्यकर्ता पर जानलेवा हमला किया गया। ये जानलेवा हमला ठीक उसी तरह चाकू से किया गया था जिस तरीके का चाकू उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या करने के काम आया था। जी हाँ, पीड़ित का नाम निक्की मिश्रा बताया जा रहा है और हमला करने वाला आरोपी है ऑटो ड्राइवर साजिद रहीम। हमले में धारदार हथियार का उपयोग किया गया और इस हमले में निक्की मिश्रा बुरी तरीके से घायल हो चुका है और वो इस वक्त अस्पताल में भर्ती है। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज कर आरोपी साजिद रहीम को गिरफ्तार कर लिया है और सलाखों के पीछे भेज दिया है। थाना अकबरपुर के अकबरपुर कस्बे में दो युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक युवक के हाथ में चोट आई है। उस व्यक्ति द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम विधि कार्रवाई नियमानुसार की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जो पीड़ित निक्की मिश्रा है वो अकबरपुर देहात के नेहरू नगर का रहने वाला है। वो बजरंग दल के नगर संयोजक भी है। घटना के दिन निक्की मिश्रा बाइक पर अपने दोस्त के साथ था। वो दोस्त की बहन की शादी के लिए खरीदारी करने गए थे। उनके आगे चल रहे एक ऑटो के गैस पॉइंट का ढक्कन खुला था। जब इसकी जानकारी उन्होंने ऑटो ड्राइवर साजिद को दी तो साजिद और निक्की के बीच में कुछ बहस हो गई। बहस इतनी बढ़ गई कि साजिद ने ऑटो में रखा अपना धारदार हथियार निकाला और निक्की पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में निक्की बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौका देख साजिद ऑटो लेकर वहां से भाग निकला, लेकिन आरोपी साजिद को स्थानीय लोग मुनक्का नाम से भी बुलाते हैं। बजरंग दल के कार्यकर्ता की शिकायत के बाद पुलिस ने अब उसे गिरफ्तार कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज़।